नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अंबुज उपाध्याय। आइए नजर डालते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। भाजपा में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह आज सुबह ही कांग्रेस से दिया था इस्तीफा। इस वर्ष 384 लोगों को मिलेगा वीरता पुरस्कार, ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को भी मिलेगा परम विशिष्ट सेवा मेडल। स्वास्थ्य मंत्री ने की राज्यों के साथ बैठक, कोरोना जांच और टीकाकरण डाटा समय से भेजने की दी सलाह। उत्तराखंड के पूर्व आईएफएस सनातन सोनकर ने कांग्रेस छोड़कर थामा समाजवादी पार्टी का हाथ, ज्वालापुर से लड़ेंगे चुनाव। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट 1 फरवरी 2022 को होगा पेश, जबकि आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी को आएगा। महाराष्ट्र में बड़ा हादसा, कार पुल से 40 फीट नीचे गिरी, 7 मेडिकल छात्रों की हुई मौत। 24 घंटे में 2.5 लाख नए केस, 614 लोगों की मौत। केजरीवाल बोले, दिल्ली की 82% आबादी वैक्सीनेटेड, जल्द हटेंगी पाबंदियां। भाजपा बांटेगी 2 लाख साड़ियां, इन साड़ियों पर नारा लिखा, जो राम को लाए हम उन्हें लाएंगे। केरल हाईकोर्ट ने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से पीएम की फोटो हटाने की मांग वाली याचिका को खारिज किया। 5 दिन की गिरावट से उभरा शेयर बाजार, सेंसेक्स 367 अंक उछला, निफ्टी फिर से 17,200 के पार। अब तक की 10 बड़ी खबरों में बस इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।